अजगर करे न चाकरी और बंजी करे न काम और दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। सबके दाता राम क्या बात है गुरुदेव? अरे बेटा गंडोले जी गुरुदेव, अरे बेटा कोई मुसाफिर नहीं आया, आता ही होगा गुरुदेव। आ गई गुरुदेव, आ गई। अब कौन आ गई बेटा, क्यों चेचा रहा है? चिड़िया। चिड़िया गुरुदेव किस रंग की है? किस रंग की है? आसामी तगड़ा है हम मरियल बेटे, तगड़ा ही लगता है गुरुदेव। कोई साहूकार है, माल पानी भी साथ है। साहूकार तो बढ़िया रहेगी, तरकीन मत जार बेटा गंडोले, हो जा तैयार अभी तो गुरुदेव। देखिए ये बोर्ड भी लगा रखा है, दान धर्म का मूल है। दान काउंटर, दान काउंटर खोल गया नहीं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं जो सचार है। दान काउंटर खुला हुआ है और किस तरह से लोगों को ठगते हैं, बड़े बड़े लालच और तरकीबें निकाल करके जनता को ठगते हैं। देखो जब तू पैदा हुआ था बच्चा तो तेरी माँ ने खाया था आलू बच्चा, तेरे तन पर नहीं था एक भी लत्ता और तेरा बाप पान चब रहा था अलबत्ता। मैं गलत तो नहीं कह रहा बच्चा? सर बिल्कुल सर, संत सरोवरी गुरु घंटोले जी आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। तेरे सिर पर बुध बृहस्पति शुक्र शनि सारे के सारे ग्रह तांडव कर रहे हैं, नाश सर्वनाश। उपाय महाराज, उपाय उपाय उपाय। कोई उपाय नहीं बच्चा, 36 घंटे में तेरी गर्दन पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाएगी। महाराज ये लो, ये मेरी सारी जमा पूंजी है, इसे आप ले लीजिए, पर मुसीबत से बता लीजिए महाराज, बताइए। जंगलों से खाता है, दूर हो जाए मेरी नजरों से, धरती पर लात मारूं तो धरती हीरे बनने लगे, मुर्दे से हाथ लगाऊं तो मुर्दा जी उठे, लोहे से हाथ लगाऊं तो लोहा सोना बन जाए, कागज के नोट दिखाता है चला जाए यहाँ से। जय जी आ गया महाराज। ये संत तो बड़े महान लगते हैं, चलता हूँ अपना भविष्य दिखाता हूँ। मुझे प्रणाम अश्वान भव, थोड़ी कृपा मुझ पर भी हो जाए। भविष्य को भूत डस रहा है बच्चा, लक्ष्मी तुझसे रूठ जाएंगी। लक्ष्मी रूठ जाएंगी? महाराज ऐसा ना करो, जो तेरे माथे पर लिखा है उसे कौन मिटा सकता है बच्चा। राहु और केतु लक्ष्मी की तरफ मुंह फैलाए बढ़ रहे हैं, लक्ष्मी उन दोनों के बीच तुझे फैलाकर उड़नछू हो जाएंगी, तेरे हाथ खाली हो जाएंगे, तू कंगाल हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। ऐसा ना करे महाराज, जल्दी से कोई उपाय बताइए। Thank you.
तो ये लो घंटोले का प्रसाद, पानी में घोलकर खुद पीना और अपने बच्चों को भी पिला देना। राहु केतु पास नहीं भटकेंगे। बड़ी कृपा है जोशाचार्य जी। अरे मूर्ख, यह पाप का थैला कहाँ लिया जा रहा है? महाराज, इसमें दंडजूली का 13,000 रुपए। अरे यही तो फसाद की जड़ है मूर्ख। राहु केतु की नजर इसी थैले पर है। तो फिर मैं क्या करूँ महाराज? अरे फेंक दे उस कुएं में। लेकिन महाराज, तो जल्दी कर मूर्ख, तबाह हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। अब ना की सीध में चला जा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हाँ वैसा ही करूंगा। हे भगवान, ये धनवार इन्होंने ले ली, अब मैं क्या करूं? हेलो, साहूकार को तो छल लिया है और अब इन्होंने तरकीब नंबर अपनाई थी 6। अब कौन सी तरकीब अपनाते हैं आगे के दृश्य में देखेंगे। लक्ष्मी आ गए। काफी माल लगता है। आसान भी तो तगड़ा था चेले। हाँ बुढ़े, प्याज और सूद का माल है जी। बुढ़े जल्दी देख बेटा क्या क्या माल है। काफी माल है बुढ़े जी। चल मेरे प्यार बेटा, मौज आ गई जी। बुढ़े मौज आ गई, मौज आ गई मेरा, मौज आ गई। तीन प्राणी जंगल में मंगल, सास बहू और बेटा। अरे मूर्ख, छुपा दिया मुझे। पर तरकीब नंबर, तरकीब नंबर 6 उठा जा मेरा और भेजा हुए जो आ गया मुझे। अच्छा आती हो जाइए तैयार, जल्दी कर गुड, मैं तैयार हूं। हेलो हेलो, उतर जा कुएं के अंदर और बच जा कुएं का देव। कुएं का देव का बच्चा था चेला और गुरु किस तरह से प्रलोभन देता है और इस पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाता। देखिए आगे के दृश्य। माय अरे माय राजन, सब लोग बन जाए। सौभाग्यवतियो, सुहागवतियो, पुत्रवतियो, बाबा जी सब कुछ है आपकी कृपा से, मगर चुप, मुझे सब पता है, औलाद नहीं है ना? हाँ बाबा जी, बहुओं की गोद नहीं भरती। ये मेरी सबसे छोटी बहू है, कम से कम इसकी गोद तो भरी ही जाए। मेरे नहीं सौभाग्यवती, उस कुएं पर जाकर माथा टेक। कुएं से आपका क्या मतलब है बाबा जी? अरे बच्चा, कुएं के देव को प्रसन्न करो, वही मन की मुराद पूरी करेगा। कुछ भेंट पूजा चढ़ा, औलाद होगी, तुझी गोद भरेगी,
बाल गोपाल किलकारियां मारेंगे आंगन में, जल्दी करो। जो आज्ञा बाबा जी। बेटा गठरी खोल। Ooh!
ना, तुझे अपने पद की चिंता नहीं है, तू सत्यानाश कराएगी। ऐसा ना कहो महाराज, आप जैसे कहेंगे वैसा ही करूंगी। सास और बहू दोनों गहनों से नदी पर ही खड़ी है और कहती है मैं क्या करूं, गहनों से ज्यादा मोह है परवार चाहे रात हो जाए। बुढ़िया जय गुरुमंडोले, सारी रामायण कहती बुढ़िया, और तू अभी तक समझी ना महाराज। जय गुरुमंडोले, मैं चला जानो तुम्हारा काम। बाबा जी नाराज हो तो मत बेटा, बाहर आ जाओ, आपको लेने के देने पड़ गए। आया उधर
वाले सारा सामान भी लेता आजा बेटा। I'm not going to do it.